तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यदि आपका भी स्नैपचैट में दो आईडी है या स्नैपचैट में दो अकाउंट है और आप अपने स्नैपचैट के दूसरे आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं और आप उसके पासवर्ड को भी भूल गए हैं, तो किस तरह से आप बिना किसी पासवर्ड के स्नैपचैट के दूसरे आईडी को लॉगिन करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना है कि वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, स्नैपचैट के दूसरे आईडी को लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले स्नैपचैट के पहले अकाउंट को लॉगआउट करना पड़ेगा। तो लॉगआउट करने के लिए आपको सबसे पहले स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। एंड स्नैपचैट को ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपके प्रोफाइल का। आपको सिंपली अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। एंड जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। और दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग का, आपको सिंपली सेटिंग पर क्लिक करना है। एंड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉगआउट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू एनीवेयर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से लॉगआउट पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपका यहाँ पे स्नैपचैट का पहला अकाउंट लॉगआउट हो जाएगा। अब दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्विच अकाउंट का, आपको सिंपली स्विच अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा यूजर नेम और ईमेल का, तो आपको यहाँ पे अपने दूसरे आईडी के यूजर नेम को डाल देना है। तो यहाँ पे दूसरे आईडी के यूजर नेम को डाल देता हूँ। एंड यूजर नेम को डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा पासवर्ड का, तो आपको यदि पासवर्ड याद है तो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड नहीं याद है तो आपको सिंपली फॉरगॉट योर पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा वाई फोन का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, जिस भी मोबाइल नंबर से आपका ये दूसरा अकाउंट बना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपके इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, एक कोड आएगा, तो आपको सिंपली उस कोड को डाल देना है। एंड कोड को डालने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नया पासवर्ड बना लेना है। नया पासवर्ड बनाने के बाद आपको उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड में डाल देना है। इसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे फिर से उसी यूजर नेम को डाल देना है जो आपके दूसरे आईडी का यूजर नेम है। एंड यूजर नेम को डालने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली उस पासवर्ड को डालना है जो भी अभी पासवर्ड आपने बनाया है। इसके बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका स्नैपचैट का दूसरा अकाउंट या फिर दूसरा आईडी लॉगिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने स्नैपचैट के दूसरे आईडी को लॉगिन कर सकते हैं।